यशोमति मैया के नंदलाला। मैया तो इधर ही देख रही है, मुझे इनका ध्यान भंग करना पड़ेगो। नरेश, मीठा नदिया इसीलिए मैं अभी आई। आपको कैसे पता चला प्रभु कि मैया मिठाई लेने अवश्य जाएंगी? उनका पुत्र हूँ मुरली, अपनी मैया को भली भांति जानता हूँ। एक और व्यंजन लो जी। शांति से खाओ, लो जल। अभी तो वहां था, कहां चला गया? लगता मैं कछु अधिक ही सोच रही हूं। उसे तो चोट लगी थी, घर से अकेले बाहर क्यों आएगा वो? अब ऐसा तो है ना कि मैं सोचूं और कान्हा सच्ची में मेरे घर आ जाए। ये तो सच्ची में कान्हा ही है। तो भाभी और नंद भैया भी साथ में आए हैं क्या? पर वो दोनों तो कहीं दिखना रहे ना, कछु तो गड़बड़ है। ये तो मेरे ही घर आ रहे हैं। सच्ची में है ना? कहीं मैं कल्पना तो ना कर रही? ये तो कान्हा ही है। भले ही चोरी चुपके आयो है पर है तो कान्हा। और मैं क्या कर रही हूं? ना ना, मुझे इसको भीतर आने देना चाहिए। ये द्वार खुल क्यों ना रही हो? यदि मैं इसके सामने पड़ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो छुप छुप के क्यों आए हो? जैसे ही जिस घर की देहरी के भीतर पाव रख दो, इसके प्रवेश करने से ही पूरा घर जगमगा जातो। ये
कछू तो है ही ना। वहाँ क्या खोज रही हूँ जे? जानकी नहीं तो की थी, माखन में ना के रखू है और याद तो गड़ू में कुछ नहीं है। मैंने कब कही इससे? मैं तो बस सोच रही थी। तो क्या मैं भूल भूल के सोच रही थी? लग तो है अब भूखे पेट ही वापिस जाना पड़ेगो। माखन तो ऊपर टंगो है, पर यदि कान्हा ने देख भी लियो तो इतने ऊपर तक जब पहुंच कैसे पाएगो? शीघ्र ही मटकी का ढक्कन गिर जाए ताकि इसकी ध्वनि काना को फिर से यहाँ खींच के ले आए। हे नारायण, तनिक कृपा करो, कैसे भी ढक्कन गिरा दो ना। ना 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 काना, बिना माखन का मत ही जा। कछू तो धनी आई थी यहाँ से। मिल गो इतना सारा माखन, अब आएगो आनंद। केवल मेरी इच्छाएं पूरी करने आए हो यहाँ? बहुत प्यार से माखन खिलाती।
क्षमा करना। आज तो लल्ला के भाग का भी आपको ही खाना पड़ेगा। इतनी शीघ्र सो गए? आप खाओ जी। मुझे फंसा के बड़े आनंद से सोरो है, पर उसे क्या पतो कि जो भोजन कितना स्वादिष्ट है। जिसकी कल्पना भी ना की थी आज वो होगा। आज कान्हा मेरे घर पे माखन खा रहे हुए। पर ये तो चोरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात सही है कि माखन की मटकी उतार के मैंने ही नीचे रखी थी, पर इसने भी तो बिना पूछे सारा माखन चट कर लियो। ये तो चोरी ही हुई ना। भाभी को पता चल गो तो उन्हें अच्छा ना लगेगा। कान्हा के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी। क्या करूं? तू ही बता कान्हा। क्या होगा? इससे आभास हो गया क्या कि जे चोरी कर रहे हुए? तू कौन है? वहाँ क्यों छुप के बैठो है? बोल ना, तेरा नाम क्या है? और तूने मेरा जैसा मोर मुकुट क्यों पहनो है? जानकी ने तुझे भी पैरे पे इतना बैठाया हुआ या? अब हंस क्यों रहे हो? मेरी चुगली तो ना करेगो। सुन, जानकी को कछु मत बोलियो, वो ना बहुत बड़ी चापलूस है। चापलूस? वो सीधे जाके मैया को बता देगी। अब मैया मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी। तू मुस्करा रो है ना? सब सुनाई दे रो है मुझे? यदि मुझे तू फंसाने के लिए सोच रो है तो मत ही फंसायो, मेरी चुगली मत ही करो। अरे हाँ, मटकी में अभी बहुत माखन है, हम दोनों बांट लेंगे। मुझसे मित्रता करोगे? क्या होगा? माखन खाए बिना कहाँ चले गयो? वो मैं ना, मेरा प्रतिबिंब है। और जो पहले दिख रहा था वो तेरा प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब? प्रतिबिंब अर्थात तेरी छाया। मैं ऐसा दिखता हूँ? हाँ, चोरी करते हुए तो तू ऐसो ही दिखतो है खाना। मैंने रंगे हाथ तो पकड़ लिए हुए तुझे। अब सोच मैया क्या दशा करेंगी तेरी।
कोई आवश्यकता ना है। मुझे पता है आपका पेट भर का हूं, है ना? बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि आजकल सच्ची में मैं आप पे बिल्कुल ध्यान ना दे पा रही। शी। अब ना मत ही बोलना, न जाने कितने दिनों से मैं आपको ठीक से भोजन ना दे रही, इसीलिए तो आज आप दो जन का भोजन अकेले ही खा गए। ऐसी कोई बात नहीं है सुधा। ना, मैं सब समझती हूँ। ना तो मैं अच्छी मैया बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी। यशोदा, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो बहुत अच्छी मैया हो और साथ ही संसार की सबसे अच्छी पत्नी भी। भोजन तो ऐसा बनाती हो जैसे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो तुम पर, इसीलिए तो इतना भोजन खा सको मैं। और तुम्हें लगो कि इतनी अधिक मात्रा में भोजन करना मेरे लिए दंड बन जाएगा, जबकि सच्ची बात तो ये है कि मुझे बहुत आनंद आया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। सच्ची? और नहीं तो क्या? तो पहले क्यों ना बतायो कि भोजन अच्छा बनो है। और हाँ, लल्ला को भी बता देना कि मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। हाँ नहीं तो। हाँ, लल्ला उठ जाए फिर बता दूंगा। हाँ जी, आज भरी दोपहरी में इतनी गहरी नींद सो गई मुझे, इतनी सी खटपट भी ना हो रही। खेल कर आए हो सुधा, थक गए होगे तो सो गए हो। वैसे इतना स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात तो मुझे भी नींद आ रही। मैया को बता दूंगी जानकी। बता दूंगी? हाथ पकड़ के सीधा उनके पास लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि तूने चोरी से माखन खाए हो। ऐसा करोगी मेरे साथ? प्रभु, हमें इसी समय यहाँ से 9:00-11:00 हो जाना चाहिए, रुक गए तो बहुत बुरा फंस जाएंगे दोनों। हाथ आऊंगी तब तो हाथ पकड़ के ले जाओगी मैया के पास। कान्हा पकड़ा हुई चकित गोपी, कैसा ये विकार, स्पर्श किया ज्यों भूली स्वयं को, हो रही दिव्य से काकार, हो रही दिव्य से क्या हुआ? जानकी, तू ठीक तो है ना? जब वहां क्या देख रही है? कौन है वहां? जानकी, जानकी तू ठीक तो है ना? मिल गया जिसे खोज रहा था, मिल गया वो मुझे। जो गोकुल को विनाश के अंधेरे में धकेल देगा। कोई बहुत विकट असुर मिल गया है क्या महाराज? हाँ, जिसे कोई भी छलिया अपनी माया से पराजित नहीं कर सकता। ऐसा असुर मिला है मुझे प्राप्ति, जिसे किसी भी अस्त्र द्वारा नहीं मारा जा सकता।
असुर का नाम है।